फ्रेंड्स, ये है पार्क एवेन्यू का बियर्ड शैम्पू। ये शैम्पू काफ़ी पुराना हो चुका है तो मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया था, बट जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मुझे लगा कि इस पर वीडियो तो ज़रूर ही बनानी चाहिए, ताकि जो मेरे साथ इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद हुआ वो आपके साथ बिल्कुल भी ना हो। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी गाइडर। फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन और आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ पार्क एवेन्यू के बियर्ड शैम्पू का। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर आता है। एक छोटी सी बियर की बॉटल बनी हुई है, ये यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है वो निकलेगा। और फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम प्राइस है, सिर्फ 40 रुपीज़ है और ये 70 ml की क्वांटिटी के अंदर हमें मिल जाता है। और फ्रेगरेंस की बात कर ली जाए तो जैसे डव ट्रेसेमे में हो गया, इस टाइप के शैम्पू के अंदर फ्रेगरेंस आती है, सेम उसी टाइप की फ्रेगरेंस भी इस शैम्पू के अंदर आती है। और इसके कलर की बात कर ली जाए तो क्रीमिश टाइप का इसका कलर है। कंसिस्टेंसी इसकी ठीक है, ना ही ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही ज़्यादा थिक है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसको ट्रैवल फ्रेंडली भी कह सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकलता। अच्छा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो शैम्पू है इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर यूज़ किया गया है बियर का जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसके अंदर होप्स एंड बार्ले का भी यूज़ किया गया है। ये जो दोनों इंग्रेडिएंट है ये हमारे बालों को स्मूथ सिल्की बनाते हैं, हमारे जो स्कैल्प है उसको ये हेल्दी बनाने का काम करते हैं। बट इसके अलावा इसके अंदर भर भर के केमिकल का यूज़ किया गया है। इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही है वो है सल्फेट, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो शैम्पू है ये नेचुरल है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इसके अंदर जो इन्होंने बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0% पैराबीन है, हाँ इसके अंदर पैराबीन का यूज़ नहीं किया गया, बट इसके अलावा और बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। ऑल हेयर टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस इस शैम्पू के साथ कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मैंने एक बार ऑयलिंग के साथ इसको यूज़ किया तो ओके टाइप मेरे हेयर लग रहे थे, बालों को बाउंसी बना देता है, बट जब मैंने विदाउट ऑयलिंग एंड विदाउट कंडीशनर इसका यूज़ किया तो बाल इतने डिटेंगल थे, रूखे, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा था कि बालों को मैंने अभी शैम्पू करके जो फील आती है ना, एकदम बाल फ्रेश लग रहे हैं, बाल चमक रहे हैं, स्मूथ एंड सिल्की, एटलीस्ट वन डे तो लगे, तो वो सब मुझे नहीं लगा। मेरे बाल उलझे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। विदाउट कंडीशनर मैं इसका यूज़ ही नहीं कर सकती। हाँ, आपके बालों में अगर आपने भर भर के ऑयलिंग कर रखी है तो तेल ईजिली निकाल देता है, झाग खूब अच्छी बनती है इससे। बट कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बोलेंगे कि भाई हमारे बालों को तो इसने स्मूथ एंड सिल्की बना दिया। बिल्कुल बना दिया होगा, अगर आपके आपका हेयर टाइप ऑयली होगा तो इसने बिल्कुल बना दिया होगा, बट मेरा हेयर टाइप ड्राई है तो मेरे बालों को इसने और भी ज़्यादा ड्राई बनाया है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक इंसान का हेयर टाइप अलग अलग होता है। और दूसरा, इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर भर भर के केमिकल यूज़ किए गए हैं। तो मुझे ये शैम्पू ना ही मैं खुद यूज़ करूँगी और ना ही ये शैम्पू मैं आपको रिकमेंड करूँगी। फ्रेंड्स, क्या आपने भी शैम्पू को यूज़ किया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।